श्रेयजी की फिल्म कर रही हूँ, इन्हीं की फिल्म की हीरोइन हूँ. सो थैंक यू सो मच श्रेय सर, जो आपने मुझे इतना अच्छा ऑफर दिया, इतना अच्छा काम करने का मौका दिया, वो भी दिनेश जी के साथ. सो थैंक यू सो मच. सर बताइए क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस किरदार में आगे, क्योंकि अक्षरा जी हैं और दिनेश जी हैं जो दोनों नामी ग्रामी हैं, मतलब एक चेहरा. इस पिक्चर में स्क्रिप्ट के हिसाब से दो हीरोइन जाती है, एक थोड़ा वेस्टर्न लुक है जो अमेरिका जाके सेटल होना चाहती है, जिस रोल में हमने महिमा को लिया है, और अक्षरा जो है घरेलू टाइप की और सोशल कैरेक्टर है उनका. और जान लेबू का टाइटल है, मतलब वो इतना जान के पीछे पड़ जाती है हीरो के, उसके मुंह से निकलता है जान लेबू का. सर ये जानना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों के बाद आप देख रहे हैं फिल्मों का निर्माण शुरू हो गया या जो भी फंक्शन से मोहरत शुरू हो गया, क्या कहना चाहेंगे, कितना असर पड़ा है लॉकडाउन और ये जो कोरोना का एक महाकाल कह सकते हैं उसका इंडस्ट्री पे? लॉकडाउन का तो सभी को फ़र्क पड़ा है, सारा बिजनेस तो लॉस में ही चल रहा है सभी का ऑलमोस्ट, बट फिल्म का अभी मैं देख रहा हूँ 2-3 महीने से काफ़ी काम चल रहा है. लखनऊ भी गया था, वहाँ पे कम से कम 7-8 फिल्मों की शूटिंग चल रही थी, वेब सीरीज चल रहा था, वापस सब ठीक ठाक हो रहा है, टाइम लगेगा, 3-4 महीने में मेरे हिसाब से तो ठीक हो जाएगा. प्रोड्यूस कर रहे हैं आप फिल्म को, क्या कहना चाहेंगे, हाल ही में जो फैसला लिया गया नोएडा में फिल्म सिटी खोलने का, उसके बारे में बताइए, कितना एक पॉजिटिव स्टेप है? बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि यूपी में काफ़ी फिल्में शूट हो रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है लोगों को, तो वो अगर नोएडा में या कोई भी यूपी के अच्छे सिटी में खुलता है तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होगा. मैं आपसे जो पहली बार काम कर रहे हैं दिनेश जी के साथ, कितना फॉलो कर रही है उनकी फिल्म को, सिंगर भी हैं, गाने भी गाते हैं, उसमें भी वो कामयाब हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? दिनेश जी तो लाइक काफ़ी लीजेंड एक्टर हैं और उन्हें मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करती हूँ, और ये तो लाइक ये कहना चाहूँगी कि लाइक मेरा बहुत अच्छा लक था जो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और इन फ्यूचर भी मैं उनके साथ बहुत सारा काम करूँ, दिस इज़ माय फर्स्ट वर्क उनके साथ, सो आई एम टू हैप्पी. तो डेब्यू फिल्म में आपकी कुछ बताइए अपने बारे में, आपने जो नहीं, इससे पहले भी मैंने एक खेसारी जी के साथ फिल्म की है जो कि हमारी रिसेंटली शूट हुई है इन लंडन में, एंड ये मेरी सेकेंड फिल्म है. तो आगे का क्या प्लान है, और श्रेय जी को कितना आप आंती हैं चांद मंदिर इस प्रोजेक्ट को देने के लिए? ऑफ कोर्स मैं तो लाइक इतनी ज़्यादा खुश हूँ और उनके शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, वो भी दिनेश जी के साथ, एंड लाइक आई एम सो हैप्पी. थैंक्स मैम. श्रेय जी आप कितना खुश हैं? मुझे अच्छी हीरोइन मिली तो मैं तो खुश हूँ. डेफिनेटली जिस तरह का कैरेक्टर है वो महिमा पे जाता है, तो डेफिनेटली आई एम हैप्पी. दिनेश लाल यादव हीरो हीरोइन अक्षरा जी, क्या दोनों को अब संभाल पाएगा? वो दोनों एक दूसरे को संभालेंगे. मुझे नहीं संभालना है, जो रोल है दोनों पे एकदम सही जाता है और दोनों प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संभालने की बात आएगी किसी को. लंबे अरसे के बाद आप फिर से भोजपुरी में लौटे हैं, क्या कुछ कारण रहा गैपिंग का? कुछ अच्छा सब्जेक्ट, कुछ अच्छे स्टार्स नहीं बन रहे थे बनाने के लिए, इसलिए नहीं बनाए. अब लग रहा है कि बनाना चाहिए, तो फिर से वापस आ रहे हैं. पहले अभी कौन कौन सी फिल्में आ जाइए, ज़रा नाम बता दीजिए. पहले मेरी भोजपुरी में एक चिंगारी बनाई थी मैंने, और उसके बाद ये वाली पिक्चर है. और ये शूटिंग कहाँ करने वाला, कब से होगी इसकी? ये रायबरेली में हो रही है, लखनऊ के पास, 20 तारीख से, और उसके बाद हम लोग लखनऊ में करेंगे 10-12 दिन बाद. पूरा यूपी में ही हमारा शूट है, लखनऊ के आसपास. फिल्म के कलाकार की बात करें तो कौन कौन से कलाकार अभी तक फाइनल हो चुके हैं इसमें? जैसे अक्षरा है, महिमा है, और शंकर मिश्रा है, टेलीविज़न के अच्छे एक्टर हैं वो भी हैं. बाकी यूपी के बहुत सारे कलाकार हैं जिसमें अभी दीपक भाटिया जी भी हैं. तो फिल्म के डायरेक्टर केडी जी हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं. हाँ केडी जी तो बड़े डायरेक्टर हैं, सबको पता है, निरहुआ रिक्शा देने वाले हैं, तो इस बार भी कमाल करेंगे. अभी तक कितना उन्होंने परेशान किया आपको? परेशान शायद मैं ही उनको करता हूँ, वो नहीं करते. सर अभी तो अभिनेता के तौर पे लगते हैं, आपकी जो व्यक्तित्व है उसके रहे बताइए, अभिनेता के तौर पे अपने को? नहीं एक्चुअली मैं हूँ डायरेक्टर. हाँ. एक्टर मैंने किया है, भोजपुरी चिंगारी में मैंने नेगेटिव की थी. अच्छा. लेकिन अभी इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ प्रोड्यूस करूँ पिक्चर, जो बड़ी पिक्चर है, काफ़ी लोग हैं, तो एक ही काम करना ज़रूरी है. भोजपुरी में म्यूजिक बहुत मायने रखता है, क्या कुछ खास तैयारी म्यूजिक के लगे? म्यूजिक में हमने सारा अपना जिम्मेदारी ओम झा को दे दी है. हाँ. उन्होंने काफ़ी हिट फिल्में दी हैं, हिट गाने दिए हैं, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा काम करेंगे. मैम आप कुछ कहना चाहेंगे दिनेश जी के बारे में?
दिनेश सर को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, लाइक हम उनके साथ काम कर रहे हैं, काम बहुत अच्छा हो, हमारी फिल्म हिट जाए और आज हमारा मुहूर्त है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, थैंक यू। अक्षरा जी हीरोइन है, अभी हीरोइन है जी, तो क्या दोनों में ट्रेनिंग बैठेगी? ऑफ कोर्स बैठेगी, क्यों नहीं बैठेगी, शी इज एक्टर, आई एम आल्सो एक्ट्रेस, सो लाइक एक्टर की ट्यूनिंग तो हमेशा बैठती है और इस बार भी बैठेगी और बहुत अच्छी बैठेगी। लेकिन हिंदी फिल्मों में अगर दो एक्ट्रेस रहती हैं, कोई भी फिल्म हो, तो इतना आसान नहीं होता दोनों में ट्यूनिंग जमना, मतलब और अक्षरा जी एक नामी ग्रामी मतलब एक्ट्रेस, उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे? सी कहते हैं कि जितने बड़े एक्टर होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, वो डाउन टू अर्थ होते हैं, राइट? सो मैंने जहाँ तक उनको देखा है, ऑब्जर्व किया है, शी इज़ रियली गुड, शी इज़ रियली काइंड, सो लाइक हमारी ट्यूनिंग बहुत बैठेगी, आई फील लाइक दैट। थैंक यू सो मच।